महीने की 25 तारीख गुरुवार का दिन आते ही सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते, बुजुर्गों को पांव लागो, धन नौजवानों को हाय हेलो और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। द न्यू ब्रांड शो बी टाउन में आप सबका वेलकम ऑन इंडियन फिल्म हिस्ट्री। कॉफी विद करण सीजन 7 में कियारा अडवाणी ने अपने और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिश्ते के बारे में कई खुलासे किए। करण ने जब कियारा से उनके और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो कियारा ने इस पर कहा, न मैं इसे मना कर रही हूँ और ना ही स्वीकार कर रही हूँ। इसके अलावा कियारा ने ये भी कहा कि मेरा और सिद्धार्थ का रिश्ता क्लोज फ्रेंड से भी ज्यादा है। Are you denying your relationship with Siddharth Malhotra? I'm not denying or accepting. So you're like close friends? We are definitely close friends, more than close friends. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया जिसमें दीपिका सॉक्स वेयर चैलेंज को पूरा करते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह को भी नॉमिनेट किया है और रणवीर सिंह ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। दरअसल सॉक्स वेयर चैलेंज में 30 सेकंड में सबसे ज्यादा सॉक्स पहनने हैं। रणवीर सिंह के फैंस को उनके वीडियो का बेसब्री से इंतजार है। अनन्या पांडे विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म लाइगर आज रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर अनन्या ने एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने प्रमोशन के बारे में बताया। पिछले 34 दिन में 20 फ्लाइट और 17 शहरों में गए हैं। साथ ही अनन्या पांडे ने ये भी बताया कि विजय देवरकोंडा के साथ काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा और अब वो आगे रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहती हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर न चलने की वजह से उनकी आने वाली फिल्म मुगल पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर आमिर खान की आने वाली फिल्म मुगल को एक साल के लिए रोक दिया जाएगा। फिल्म कबीर सिंह स्टारर शाहिद कपूर और कियारा अडवाणी को करण जौहर के शो करण विद कॉफी में देखा जा सकता है। दोनों ही बहुत मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों ने बहुत सारे खुलासे किए। करण जौहर ने शाहिद कपूर के बारे में पूछा तो कियारा ने बताया कि एक ऐसा वक्त था जब मुझे शाहिद को थप्पड़ मारने का मन किया था। एक्चुअली बात ये थी, कबीर सिंह की शूटिंग के दौरान तीसरे चौथे दिन कियारा अडवाणी को 8 घंटे इंतजार करवाया गया। वजह सिर्फ इतनी थी, शाहिद कपूर को अपने अगले सीन के लिए जूते सेलेक्ट करने थे। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान को आधी रात को एयरपोर्ट पर देखा गया। मलाइका और अरबाज अपने बेटे अरहान को छोड़ने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद उनके फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किए जा रहे हैं। विजय देवरकोंडा ने आज लाइगर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। साथ ही उन्होंने इस फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और इससे पहले विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की शादी को लेकर सुनील शेट्टी से सवाल पूछे गए, जिसको लेकर अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी ने कहा कि जब बच्चों को वक्त मिल जाएगा उस टाइम पर शादी हो जाएगी और साथ ही ये फैसला उन दोनों का है और फिलहाल राहुल एशिया कप और वर्ल्ड कप पर फोकस कर रहे हैं। ग्लैमर गर्ल उर्फी जावेद का हुस्न एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जलवा बिखेर रहा है। उर्फी जावेद के नए लुक को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्फी रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट कर रही हैं। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, उसमें जॉन अब्राहम का फर्स्ट लुक आ चुका है। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जॉन अब्राहम का फर्स्ट लुक शेयर किया। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। स्टे कनेक्टेड।